बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल पे। आज हम दोबारा हाज़िर हुए हैं विंटर की सीडलिंग की अपडेट देते हुए। ये हमारा बेड नंबर वन है, केल का छोटा सा प्लांट है, यहाँ कोरिएंडर ऐसा ऐसा ग्रो हो रहा है, राइट हैंड साइड पे ओकरा कुछ स्प्राउट हो रही है। अभी लीव चेक करते हैं कि यह स्क्वाश सही तो है, ये नेचुरली वेरीगेटेड है। और इस बेड में हमने रिसेंटली 5 क्यूकम्बर ट्रांसप्लांट किए हैं। ये बेड नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी लगी हुई पालक जो है वो ओपन होने के बाद बर्ड्स ने आके खा लिया। 7 क्यूकम्बर के प्लांट हैं इधर, दरमियान में ये टोमेटोज हैं और फिर ये लहसुन लगाया है। इरादा है कंपेनियन सपोर्ट बनाने की। ये बेड नंबर 3 मेंट, उसके बैक पे ओकरा, पहली फ्रूटिंग जब आने लगी थी मैंने हटा दिए थे वो, तो अब तकरीबन ये 3.5-4 फिट का प्लांट हो गया है। अब मैं इसको चलने दूंगा। ये उसके राइट में क्यूकम्बर, ये थोड़ी सी जुगाड़ करने की कोशिश की है, लेकिन इंशाल्लाह ये कि टोमेटोज के लिए प्रॉपरली पॉट में इस तरह करूँगा, जहाँ पे बहुत सारे तुलसी, ये कटिंग से कुछ ग्रो हुए पोटैटो वाइन, ये पपाया की सीडलिंग, नहीं माशाल्लाह से अब तो सैपलिंग बड़ी हो गई है, इसके साथ थाइम है, ये क्लेडियम्स भी माशाल्लाह से सेटल हैं। 2 प्लांट थे, एक एक लीव उनका ख़राब हुआ, एक ये वाला और एक ये बैक पे रखा हुआ, लेकिन माशाल्लाह अभी स्टेबल है। चैमोमाइल, सेलरी, ये चिलीज हैं। अच्छा, तो कुछ इस तरह सेटअप किया हुआ है कि पॉट के साथ ये हमने ग्रीन नेट मैश लगाया हुआ है। अच्छा, ये सेटअप होने के बावजूद जिस दिन अनएक्सपेक्टेडली बारिश पड़ी, ये जाली भी हटी हुई थी और ऊपर से शीट भी, तो काफ़ी सारी पॉट्स ख़राब हुए। तकरीबन 12 से 15 पॉट्स ऐसे थे जिनमें से समझ लें कि सीट फेंक गए। तो बारिश के बाद फिर कोशिशें की थी कि इनको वो नेट के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, लेट्स सी कि क्या उगता है क्या नहीं। ये वो येलो कैप्सिकम है, इसमें से कुछ साइंस दिख रहे हैं स्प्राउट के, रेड अभी तक खाली है। ये रिसेंटली अभी कुछ थाइम, रोजमेरी वगैरह स्ट्रे में लगाया है 2 दिन पहले। तो अब इस तरह का इस नेट से 2 फ़ायदे ये रहते हैं कि एक तो फ्लाइज डायरेक्ट एंटर नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं जो है ना वो ग्रीन नेट वाली सपोर्ट मिल जाती है। ये लेटेस्ट लगा हुआ है। अच्छा, ये पीछे वाली साइड बिल्कुल खाली है क्योंकि वहाँ बारिश का पानी ज़्यादा पड़ा था। बाकी ट्रे में देख लें आप, अच्छा खासा जो है ना वो जर्मिनेशन हुई हुई है। ये मेरे सामने ये अनियन है, ये स्प्राउट हो रहे हैं। तो पीछे वाले 2 पार्ट्स में भी जो हैं वो स्प्राउटिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पे कटिंग्स लगी हुई हैं। ये है वो स्काईलाइन चिली, माशाल्लाह से ये तो 100% जर्मिनेट हुई हैं। और अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ ये ब्लैक पॉट्स बाद में लगाए थे, इसमें चैमोमाइल है। 3 पॉट्स में साइन दिख गया है, जर्मिनेशन हो गई है। ये लेफ्ट वाले ट्रे में केल लगा हुआ है, राइट में लेटस है और F1 मैरीगोल्ड लगा हुआ है। ये देखें, ये छोटा सा केल है, इधर 3 केल के प्लांट लगाए हैं, बाकी चीज़ें उगने दी, उसमें कवर रहेगा, बाद में फिर चेंज करेंगे। ये माशाल्लाह से ट्रांसप्लांट किए थे कुछ आइसबर्ग, पीछे वाले 2 पॉट जो हैं।